तो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। नाम अली रजा। बेटा मूवी हम देख रहे हैं अनिल कपूर जी की। उसका लास्ट सीन हमने देखा था कि जो अनिल कपूर जी की बीवी है उसने बड़ा उस घर में यार इस तरह हरकतें कर रही है ना, उसकी माँ कोई इलाज करने के लिए लेटा दिया और बोल रही है अभी आपकी माँ जो है ना बीमार है। अनिल कपूर भी परेशान है माँ के लिए, तो वो वैसे ही सेंसिटिव है, बोलता है मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, तो भी उस इलाज के चक्कर में देखते हैं क्या होता है। बाकी मूवी में जो मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत जुल्म उन लोगों ने बर्दाश्त किया, अब इनकी बारी भी है तो देखते हैं क्या होता है। हाँ। आप क्या समझते हैं, हमें माँ जी की कोई फिक्र नहीं है? हमने तो डॉक्टर को पहले से ही खबर कर दी थी। अभी आते लो, आ गए डॉक्टर साहब। I'm Dr. TB Malaria, MDA, FRC, UB, WS, आइए आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हो गया। क्या हुआ आपको डॉक्टर साहब? मरीज मैं नहीं, मरीज ये है। मरीज ये है, मरीज कहाँ? अरे बाप रे, गड़बड़ बहुत गड़बड़। आप एक काम कीजिए, इनके लिए दो बाबू, दो गज सफेद कपड़ा, एक हंडी और आग का इंतजाम कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? गड़बड़ बहुत गड़बड़, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि नहीं दवा की नहीं दुआ की जरूरत है? पहले चेक तो कीजिए। करूंगा, जरूर करूंगा। ये मेरे मामा जी देखिए ना माँ को क्या हो गया। अबे वक्त बहुत कम है, मुझे इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये पकड़ो इसको, तो तुम मार दो। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया लगता है? अरे चुप, चुप बैठो। अरे क्या ठीक है? अरे बाप रे, अरे क्या हुआ, क्या इतना बस करो, करंट बंद हो गया। दिखता नहीं क्या हालत करनी मेरी। बाप रे, खोपड़ी का वोल्टेज 440 वोल्ट, इसका मतलब ये औरत अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करती है। खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा? है, बिल्कुल है। इनको नीम के पत्तों का शरबत पिलाया जाए। नीम के पत्ते? ये लो पिला। नहीं राजू, मैं नहीं पीऊंगी बेटा। इसे पी लो माँ, इसे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कड़वा होता है, मैं नहीं पी सकती। अपने राजू की खातिर पी लो। हाँ माँ जी, राजू की खातिर पिया जाएगा। पी लो माँ जी। माँ जी डॉक्टर साहब, अब तो मेरी माँ बच जाएगी ना? कोशिश करना मेरा फर्ज है। अब तो दवा पिला दी, अब इन्हें सुई देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत बड़ा है। इसका असर भी बहुत बड़ा है। एक दिन गधी को दिया था, घोड़े के रेस में पहले आई थी। पकड़ो इंजेक्शन, ले लो माँ, ले लो। हो गया, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। आज से इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। खाना पीना बंद, बिस्तर से उतरना नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सारा घर सारा कारोबार यही तो संभालती हैं। दिन भर में सैकड़ों बार इन्हें तिजोरी खोलनी और बंद करनी पड़ती है। इतनी जिम्मेदारी का बोझ कौन उठाएगा? अरे वाह, ये जो बहू जी आई है वो किस दिन काम आएंगी? चल हट, मैं पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे छोटे मोटे कामों से मेरी इज्जत घटती है, समझी? तुमका एक हाथ ना तो सुसरी पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। चाबियां तो तुझे लेनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ नहीं माँ, चाबी देना। चाबी? मैं बेटा। माँ दोनों चाबी। वो नहीं संभाल पाएगी बेटा। देखता हूँ कैसे नहीं संभालती। लाओ राजू, आज से तुम्हारे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी है। लो रखो चाबी। नहीं, मैं चाबी नहीं रखूंगी। मैंने कहा ना बहू, सास का बोझ उठाना बहू का कर्तव्य होता है। चाबी रख लो बेटी।
ठीक है, आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। चाबी अभी गई। सुरु, सुरु क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? डॉक्टर साहब देखो, ये क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। तुम हंस रही हो मगर बताओ ना बात क्या है। बात ये है कि अरे बात क्या बताओ ना। तुम बाप बनने वाले हो। वो तो ठीक है मगर क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? शुरू में बाप बनने वाला हूँ। माँ 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 मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम दादी बनने वाली माँ। बाबू जी मैं बाप बनने वाला हूँ। बाबू जी मैं बाप बनने वाला हूँ। पांडू जी मालिक। जी वो तो खेत पे गए हैं, कुछ काम हो तो मैं उन्हें बता दूंगी। पांडू से कहना कि भागकर मेरे ससुर के यहाँ जाए। हाँ। और उन्हें जाकर कह दे कि उनके दामाद ने कितनी भौदरी का काम किया है। जी मालिक। शुरू शुरू क्या कर रही हो? आए, 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 क्या 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 कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या कर रहा है? मेरे इंजेक्शन का असर हो रहा है, तीन चार घंटे में रह जीत जाएगी। क्या हुआ रामदास साहिब? क्लच प्लेट और फ्यूल पंप दोनों खराब हुई गए हैं। अच्छा है, अब पूरे खेत की जुताई एक दिन में कैसे खत्म होगी बाबूजी? ठीक है पांडू एक काम करते हैं। हाँ? हम ही शहर जाके ट्रैक्टर के पार्ट्स ले आते हैं। हाँ। चंपा जी बाबूजी, तू घर पे जाके बोल दे कि हम कल सुबह तक आएंगे। अच्छा बाबूजी, चलते हैं चलते हैं। अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा। और हाँ, ये सारा सामान मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और शुरू के लिए ये केसर। ये केसर किस लिए? भाई साहब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर केसर हाँ। गर्भवती स्त्री दूध में मिला के पिए तो संतान गोरी चिट्टी और खूबसूरत पैदा होती है। अच्छा उससे कहिएगा कि ये रोज दूध में मिला के पिए। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। चलो शुरू हो जाओ, बहुत दिनों के बाद देसी घी के लड्डू हमें खाने को मिले हैं। सबर करो भैया। अरे बहना अगर सरू आ गई तो ये सब खाने को नहीं मिलेगा, फिर वही बाजरे की रोटी और बथुए का साथ। पहले मेरी बात सुनो रमेश बेटा। जी माँ। ये ले चाबी और मेरी अलमारी में से जहर की वो बोतल निकालना। जी। अरे बहना ये जहर की बोतल काहे को मंगवा रही हो? हम सबसे खुदकुशी करवाना चाहती हो क्या? तुम्ही ने पूछा था ना भैया कि मेरा आखिरी दाव क्या होगा? ये मेरा आखिरी दाव होगा। मैं समझा नहीं। पानी सर से गुजर चुका है, अब इस घर में या तो वो जिंदा रहेगी या मैं। बिल्कुल ठीक, अब जो कदम आगे बढ़ाया है उसे पीछे मत हटाना, उसकी मौत पे ही हमारी जिंदगी है। ये लो मां। मुझसे मुकाबला करना चाहती थी, जानती नहीं मैं नागिन हूं और नागिन अपने बच्चे तक को खा जाती है, फिर तुझे और तेरे बच्चे को कैसे छोड़ देगी? राजू बेटा। हाँ माँ। सरू की माँ नहीं है और ये उसका पहला बच्चा है, इसीलिए देखभाल तो हमें ही करनी होगी। आज उसके पिताजी आए थे और ये केसर देकर गए हैं, इसे दूध में मिलाकर जरूर पिला देना। इससे क्या होता है माँ? इससे बच्चा गोरा और सुंदर पैदा होता है। अच्छा मैं अभी पिला देता हूँ। सुरिया देखो मैं तुम्हारे लिए। अरे क्या ठोकर पीटी कर रही हो और वो भी इस हालत में? चलो नीचे उतरो। ये मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है? राज की बात है, पहले मुझे अपनी बाहों में उठा फिर बताऊंगी। ये कहते हैं गर्भवती औरत की आंखों के सामने जिसका चेहरा हमेशा रहता है उसके होने वाले बच्चे का चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। सच? और इसीलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर लगाई है ताकि तुम्हारा चेहरा
हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे और फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक नन्हा मुन्ना राजू पैदा हो। फिर तो तुम ये तस्वीर हटा ही दो और अपनी तस्वीर लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले लड़की होगी। जाओ जी, पहले लड़का होगा। मैं कह रहा हूँ ना, पहले लड़की होगी। लड़का होगा? लड़की होगी। ये क्या है? केसर। अरे वो दूध, दूध कहाँ गया? अरे पर जा कहाँ रहे हो? ये केसर तुम्हारे पिताजी दे गए थे। वो कह रहे थे कि इसे दूध में मिलाकर पीने से होने वाला बच्चा गोरा चिट्टा और खूबसूरत पैदा होता है। इससे पहले कि दूध ठंडा हो जाए इसे गटागट पी जाओ। लो। एक मिनट। हाँ? मैं इसमें थोड़ा और केसर मिला देता हूँ ताकि बच्चा खूब गोरा हो। अरे बस बस, ये केसर एक महीने के लिए है, आज ही खत्म कर दोगे क्या? अरे खत्म हो जाएगा तो और आ जाएगा। तुम जल्दी से दूध पी लो। अपने हाथों से पिलाओ ना। अपने हाथों से पिला देता हूँ। वो मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से केसर का दूध पी रही हूँ ना, मैं भगवान के सामने माथा टेक कर आती हूँ। क्या बात है चंपा, तुमने मुझे दूध पीने से क्यों रोक दिया? इसलिए दीदी कि जो केसर वाला दूध आप पीने जा रही थी उसमें जहर मिलाया हुआ है। क्या जहर? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से माजी को केसर में जहर मिलाते हुए देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है दीदी, ऐसा हुआ है। मैं अपने सुहाग की कसम खाके कहती हूँ ऐसा ही हुआ है। अरे सुरु, क्या हुआ? तुम्हारी पूजा खत्म हुई कि नहीं? जल्दी आओ, दूध ठंडा हो रहा है। पूजा हो गई तुम्हारी? क्या बात है सुरु, ये किस लिए? मैं किसी और का दिया हुआ जहर खाकर मरने की बजाय अपने पति के हाथों मरना पसंद करूंगी। ये लो और काट डालो मुझे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुमने दूध में केसर मिलाया था ना, उस केसर में जहर मिला हुआ है। जहर? क्या भक्ति हो, केसर में जहर मिला हुआ? अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे, वो अपनी बेटी को जहर देंगे? मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। मेरी माँ ने दूध में जहर मिलाया? तू होश में तो है सुरु? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, तेरी जबान कटकर गिर जाएगी। जबान क्या, मैं तो पूरी कटकर गिरने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे। उठाओ ये कुल्हाड़ी और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। सुरु, मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। सुरु, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। मेरी माँ हत्यारण हो, इससे पहले आसमान फट पड़ेगा, चांद सूरज अपना रास्ता बदल देंगे, ये धरती अपनी दूरी से हिल जाएगी, पर सब अपनी जगह पर है सुरु। ये इस बात का सबूत है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो सुरु, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ राजू, तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे कोख में ही मर जाए। क्या हो गया, जहर मिला थी तुझे उस डायन ने, लेकिन अनिल कपूर को अभी तक यकीन नहीं हो रहा। इतना यार अंधे हो गए हैं। पहले तो ठीक है, वो इंसल्ट तक तो मानते हैं, लेकिन ये तो अभी मारने मरने पर बात आ गई है भाई। अभी तो यार संभल जाओ, अभी तो अपनी बीवी का यकीन करो। पता नहीं क्या हो गया यार, अगर आगे का सीन होता देखते हम के आखिर होता क्या है भाई। ये तो फुल भाई कन्फ्यूज कर दिया इन लोगों ने। क्या हो रहा है, अपनी बहू रानी को अभी मारने पर तुली हो बेचारी, पेट से उसके पेट में बच्चा है, कम से कम उसका तो यार लिहाज कर लो। पति का नहीं किया, बेटे का नहीं किया, छोटे मासूम बच्चे का तो यार ख्याल करो। इतनी भी कठोर दिल ना बनो डायन कहीं की, अभी तो हमें गुस्सा आ रहा है यार। बगैर भाई क्या यार ये सीन चल रहा है भाई? ये औरत तो बड़ी राक्षस निकली, बड़ी अपने ही बच्चों को खाने पर तुली हुई है ये तो औरत। मैं तो समझा तो चलो आपस में दुश्मनी तो ऐसी बात नहीं, मगर इसने तो आज तो हद कर दी बड़ी दुश्मनी की भी। उसने तो उसी केसर में जहर मिला दिया भाई। अनिल कपूर भी भाई साहब को भी यकीन नहीं हो रहा है, तो उसने बोला आप मुझे मार दो, तो आगे देखेंगे भाई यार। ये तो हमें तो उस औरत पर तो गुस्सा आ रहा है। बाकी जो पांडू ने जो काम किया डॉक्टरी वाला, हाँ वो अच्छा काम किया भाई, मुझे मज़ा आ गया वो देख कर।
यार मुझे भी अफसोस हुआ यार, ये तो माँ जी के नाम पर ठपा है भाई, ये तो अब तो भाई हद पार कर रही है, जहर मिला दिया। और रणबीर कपूर को अभी भी यकीन नहीं आ रहा भाई, कब क्या करे, वो बेचारी कुल्हाड़ी भी लेकर आ गई है जो बेचारी थी उसकी घरवाली, भाई मुझे मार दो, पर उसको यकीन नहीं आ रहा। हम तो भाई अब सस्पेंस में चले गए हैं, ये क्या आ गया है लास्ट पार्ट में, हम तो हैरान हो गए भाई। इतनी भी कठोर नहीं होनी चाहिए माँ जी भाई, उसको मारने पर तो लिए जहर मिला दिया भाई, और वो बेचारे अपने पति के हाथों से वो पी रही थी दूध। तो भाई अब हम सस्पेंस में चले गए, पता नहीं क्या होगा लास्ट में, हम सोचने में बस भाई अभी वो देखना होगा, मुझे अभी देखना है आखिर होता है क्या। अनिल कपूर अभी तक वही रट लगा के बैठे होते हैं या कुछ करेंगे, अपनी माँ के साथ थोड़ा जाएं बात करें और यकीन हो जाएगा, यहाँ ये दूध ही अपनी माँ को पिलाएं तब कुछ होगा। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, अभी के लिए इतना, थैंक यू।